ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। यह हमारा नया घर होगा मियां जी। रसूल अल्लाह, जब पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में हिजरत की तब उस इलाके में वहाँ तीन बड़े यहूदी कबीले थे, बनू कुनैका, बनू नजीर और बनू कुरैजा। शहर का असल नाम यथरिब है, जिसे मोहम्मद ने बाद में मदीना अन्नबी या पैगंबर का शहर कर दिया। ये बनू कुनैका का किला है। ये बनू नजीर का किला है। हुयाई इब्ने अख्ताब बनू नजीर कबीले का मुखिया था। ये उसका परिवार है और वो नौजवान लड़की सफिया बिनते हुयाई का बाप है। सफिया को मदीना की सबसे खूबसूरत लड़की समझा जाता था। उस समय उसकी उम्र लगभग 15 साल थी। वो अपने पिता की सबसे चहेती बच्ची थी। बनू नजीर के लोगों के पास खजूर के बागान थे, जो कि उनकी कमाई का जरिया थे। उन्हें अपने बागानों पर गर्व और खुशी होती थी। पैगंबर मोहम्मद यहूदियों से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि उन्होंने उसे पैगंबर मानने से इनकार कर दिया था और इस्लाम को कबूल नहीं करना चाहते थे, और ना ही वो मोहम्मद को उसकी जरूरतों के लिए पैसे देना चाहते थे। एक दिन पैगंबर मोहम्मद ने पैसे की मांग करते हुए अपनी जगह अबू बकर को रब्बी फिनहास नाम के सरदार के पास भेजा। रब्बी फिनहास, तुम पर अफसोस होता है, अल्लाह से डरो और इस्लाम कबूल करो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, जो कि अल्लाह की तरफ से तुम तक सच्चाई लेकर आया है। उसका जिक्र तुम्हारी तोरा में भी है, इसलिए सच्चाई में यकीन करो और उसे कबूल करो और अल्लाह को अच्छा पैसा उधार दो, ताकि वो इसे कई गुना बढ़ा कर तुम्हें वापस कर दे। पर असल में तोरा में मोहम्मद का कोई जिक्र नहीं था, और रब्बी फिनहास जानता था कि उसका सामना खुदा के नाम पर जबरन वसूली को जायज ठहराने वालों से हुआ है। ओह अबू बकर, आप यह दावा करते हैं कि हमारा रब हमसे हमारी दौलत उधार मांग रहा है, मगर केवल गरीब ही अमीरों से उधार लेते हैं, और अगर तुम जो कहते हो कि वो सच है तो इसका मतलब यह निकलता है कि अल्लाह गरीब और हम अमीर हैं। अगर आप अमीर हैं तो आप हमारी दौलत को हमसे उधार नहीं मांगेंगे। हमें अल्लाह की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसे हमारी जरूरत है। हम उससे मांगा नहीं करते जैसे वो हमसे मांगा करता है। हम उससे आज़ाद है लेकिन वो हमसे आज़ाद नहीं है। अगर वो हमसे आज़ाद है तो वो हमसे हमारी दौलत नहीं मांगेगा, जैसा तुम्हारा रहनुमा मोहम्मद मांगता है। वो तुमको सूदखोरी से मना करता है लेकिन हमें सूद देता है। अगर वो हमसे आज़ाद होता तो वो हमें सूद नहीं देता। जिसके हाथ में मेरी जिंदगी है, मैं उसकी कसम खाता हूँ कि अगर हमारे बीच में समझौता नहीं होता तो ऐ अल्लाह के दुश्मन, मैं तेरा सिर कलम कर देता। पैगंबर मोहम्मद नाराज थे, क्योंकि रब्बी उन्हें पैसे नहीं देना चाहता था। कुरान सूरह अल इमरान आयत 181। बेशक अल्लाह ने उन यहूदियों की बात सुन ली है जिन्होंने कहा कि असल में अल्लाह तो कंगाल है और हम बड़े मालदार हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है और साथ ही साथ उनका नबियों को नाहक कत्ल करने को भी, हम लिख लेंगे, फिर हम कहेंगे कि जलाने वाले अजाब का मजा चखो। ये बहुत घमंडी हैं। ये सोचते हैं कि ये खुदा पर ईमान के बारे में सब कुछ जानते हैं। तब तक इंतजार करें जब तक हम मजबूत न हो। हम यकीनन ही उनसे छुटकारा पा लेंगे। पैगंबर मोहम्मद के लिए हर कोई जो उसे पैसों से मदद नहीं करता था उसे अल्लाह का बुरा दुश्मन समझा जाता था। यहाँ तक कि उसका खुदा लोगों से वादा करते हुए कहता है कि ये उसे उधार पैसा दें तो वो जन्नत में उन्हें दुगना या उससे भी ज्यादा वापस कर देगा। ये वो आयतें हैं जिनमें अल्लाह पैसा उधार मांगता है या फिर गिरवी करने के लिए कहता है। कुरान सूरह अल बकरा आयत 245। जो अल्लाह को अच्छा उधार देता है उसे अल्लाह कई गुना ज्यादा कर देगा।
कुरान सूरह अल मायदा आयत 12, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह को अच्छा उधार देते रहो, मैं तुम्हारे गुनाह जरूर माफ कर दूंगा और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। कुरान सूरह अल हदीद आयत 18, बेशक वो मर्द और औरतें जिन्होंने खैरात बांटी है और जिन्होंने अल्लाह को अच्छा उधार दिया है, उन्होंने उसे अपने लिए कई गुना कर लिया है। कुरान सूरह अत-तगाबून आयत 17, अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज उधार देते हो तो वो तुम्हें कई गुना बढ़ा कर देगा और तुम्हें माफ कर देगा। वैसे मैं आपसे वो सब कर्ज ले लूंगा और तुम्हारे मरने के बाद अगर जब तुम जन्नत में जाओगे तो अल्लाह तुम्हें वो सब वापस कर देगा। जब मोहम्मद को समझ आ गया कि वो यहूदियों का फायदा नहीं उठा सकता तो उसने अपनी मुस्लिम फौज को उनके खिलाफ लड़ने और उनकी दौलत को जब्त करने का हुक्म दिया। इस समय तक मैंने पहले ही पूरे यहूदी कबीले बनू कुनेका को मदीना से निकाल दिया है। अब मुझे बनू नजीर कबीले से छुटकारा पाना है और उनकी दौलत पर कब्जा करना है। मुझे यह करने के लिए सिर्फ एक बहाना ही तो ढूंढना है। बहाना तब बना जब एक अमीर इब्ने उमैया नामक मुस्लिम ने बनू अमीर कबीले के 2 लोगों को मारकर लूट लिया। मोहम्मद ने इस लूट का 20% हिस्सा कबूल किया। मुझे बनू अमीर कबीले को ब्लड मनी देकर तुमसे बदला लेने और तुम्हें मारने के लिए मना करना होगा। इसके लिए पैसा देगा कौन? मैं बनू नजीर के सरदारों को इसकी अदायगी करने के लिए बोलूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मदीना के समझौते पर दस्तखत किए हैं। मैंने तो सोचा था कि मदीना का समझौता हमलावरों के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए था। उन्हें इसके द्वारा किए गए कत्ल के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? बस मेरी योजना पर यकीन करो, चलो उनसे मिलने चलते हैं। इसलिए पैगंबर मोहम्मद और उसके सहाबा बनू नजीर कबीले में गए और बनू नजीर के सरदारों से मिले। हुयाय, मैं चाहता हूँ कि तुम बनू अमीर कबीले के लोगों को ब्लड मनी अदा करो ताकि वो मेरे मुस्लिम दोस्त अमीर इब्न उमैया को कत्ल न करें। तो उसने बनू अमीर के 2 लोगों को मार डाला और तुम चाहते हो कि हम उसे बचाने के लिए ब्लड मनी चुकाएं? हाँ। हम आपस में इसकी चर्चा करना चाहते हैं। देखो, अगर हम अदा नहीं करते हैं तो वो जरूर हम पर हमला कर देगा। सही कहा, ठीक वैसे ही जैसे उसने हमारे साथी यहूदी भाइयों कबीले बनू कुनेका के साथ किया था। बस अपनी जिंदगी की खातिर हम उसे पैसा अदा कर देते हैं। वे मोहम्मद से मिलने वापस आए। ठीक है, हम ब्लड मनी अदा कर देंगे। हमें पहले पैसा इकट्ठा करना होगा, बस कुछ देर यहीं रुकें। मोहम्मद उनके फैसले से बहुत मायूस हुआ। उसे उम्मीद थी कि वो उसकी वाहियात मांग को खारिज कर देंगे और उसको हमला करने का एक बहाना मिल जाएगा, लेकिन वो उसके झांसे में नहीं आए। धूम, मुझे किसी दूसरे मंसूबे के साथ आना होगा। बस यहीं बैठो, कहीं जाना नहीं, मैं वापस आता हूँ। मगर वो कभी वापस नहीं आया। यहूदी पैसों के साथ वापस आए। मोहम्मद कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कहा था कि वे वापस आएंगे लेकिन वो अभी तक नहीं आए। अब हमें उन्हें ढूंढने के लिए जाना होगा। वे मस्जिद में गए और मोहम्मद को वहीं पाया। आपने हमें वहां क्यों छोड़ दिया? ओह, यहूदी मेरी पीछे की दीवार के ऊपर से भारी पत्थर फेंक कर मुझे मारना चाहते थे। मैंने तो नहीं देखा, आपको इसके बारे में पता कैसे चला? मुझे जिब्रील ने बताया। वैसे भी मेरे खिलाफ उनके षड्यंत्र की वजह से हमें उनसे बदला लेना होगा। अली, हमारी फौज का नेतृत्व कर उन पर हमला करो। जी रसूल अल्लाह। इब्ने इसहाक की लिखी लाइफ ऑफ मोहम्मद में लिखा है कि बनू नजीर कबीले के अमीर बिन जिहाश ने मोहम्मद को मारने के लिए भारी पत्थर फेंकने का फैसला लिया जब वो उनके किले में था। फुटनोट एक्सप्लेन करता है कि कहानी का यह हिस्सा इस घटना में जोड़ा गया है। जाहिर है कि अगर मोहम्मद को उनके मंसूबों का पता चल गया था तो जन्नत से किसी भी आसमानी पैगाम की जरूरत नहीं थी। यही होगा
कि इब्ने इसहाक की रिवायतों को लिखने वाले इब्ने हिशाम ने इस मनगढ़ंत किस्से को बनाया हो और जोड़ा हो। मुस्लिम फौज हमला करने के लिए जीत के इरादे से बनू नजीर किले की ओर आगे बढ़ी। मुस्लिम फौज के हमला करने से पहले ही बनू नजीर कबीले के लोग अपनी जान बचाने के लिए किले के अंदर भाग गए। इनके खजूर के पेड़ों को काट दो और उन्हें जला दो। मुस्लिम फौजों ने खजूर के पेड़ों को काट डाला, फिर इन्होंने इन्हें जला दिया। सही मुस्लिम चैप्टर 19 हदीस नंबर 4326। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने खबर दी कि अल्लाह के नबी ने बनू नजीर के खजूर के पेड़ों को जला दिया। सही बुखारी वॉल्यूम 1 किताब 8 हदीस नंबर 420। अनस ने बयान किया, पैगंबर ने हुक्म दिया कि बुतप्रस्तों की कब्रें खोद डालो और ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल कर दो और खजूर के पेड़ों को काट कर गिरा दो। यह किस तरह का नीच इंसान है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है? वो दिमाग का पागल है। अल्लाह मुझे इसकी इजाजत देता है ताकि वो जल्दी हथियार डालें। कुरान सूरा अल हस्र आयत 4। यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की अवहेलना की, और जो कोई अल्लाह की अवहेलना करता है तो अल्लाह हकीकत में सख्त अजाब देने वाला है। मुस्लिम फौज की 15 दिन की घेराबंदी के बाद बनू नजीर के लोगों ने हथियार डाल दिए। मोहम्मद ने उन्हें मदीना छोड़ने का हुक्म दिया और उनका माल असबाब खुद के लिए रख लिया। मैंने उनकी सारी दौलत छीन ली क्योंकि यह फाई है, मतलब अल्लाह की ओर से मेरे लिए एक तोहफा है। मेरी फौज को कुछ भी नहीं करना पड़ा क्योंकि यहूदियों ने सब कुछ मेरे हवाले कर दिया। कुरान सूरा अल हस्र आयत 6। जो माल अल्लाह ने अपने रसूल को उन लोगों से दिलवा दिया, तुमने उस माल के लिए घोड़े या ऊंट नहीं दौड़ाए, मगर अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है गलबा अता फरमाता है। अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। हमारे पुरखों ने 1000 साल पहले यात्रीब को बनाया था। मोहम्मद यहाँ अभी अभी आया था, हालांकि हम साथ नहीं मिले। हमने उससे छुटकारा पाने की कभी कोशिश ही नहीं की। उसे बहुत से पैरोकार मिलने पर उसने हमें हमारी ही जमीन से निकाल बाहर किया, हमारे बागानों हमारी आजीविका को जला दिया। हमारे पास सब कुछ छोड़कर जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। बनू नजीर कबीले के लोगों ने मदीना के उत्तर में 160 किलोमीटर दूर खैबर के एक यहूदी किले में पनाह ली और इस तरह सफिया खैबर पहुंच गई। हकीकत में मेरे परिवार और मेरे लोगों द्वारा तमाम मुश्किलात का सामना करने के बाद मेरी जिंदगी की असली दर्द भरी कहानी तो अब शुरू हुई है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।